सो गाइस आज की स्टूडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह का ऑरेंज टोन दे सकते हो लाइटरूम एप्लीकेशन के मदद से। और ये टोन अप्लाई करने का देख सकते हो हमारा फोटो कितना कमाल का लग रहा है। तो अगर आपको भी सीखना है तो ये वाले वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फोटो है लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाएगा। ये वाला फोटो में जो है मैंने ऑलरेडी स्किन को स्मूथ कर लिया था। अगर आपको स्किन स्मूथ करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप सीख सकते हो। तो फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फोटो के हाईलाइट्स को आपको 70% डिक्रीज कर देना है। फिर यहाँ पे जो ब्लैक है इसको आपको फुल्ली इंक्रीज कर देना है। तो देख सकते हो ब्लैक्स को इंक्रीज करने के बाद हमारा फोटो का डार्कनेस यहाँ पे सारा रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे व्हाइट्स को 30% के आसपास इंक्रीज कर लेंगे, और शेडोज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ लगभग 26। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को जो है मैं यहाँ पे रखता हूँ -15 पे, और एक्सपोजर को आपको यहाँ पे 0.10 इंक्रीज कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम ये वाले टूल पे जाके फोटो के वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेते हैं 45%। इसके बाद आपको फिर से पहले वाले टूल पर जाना है, और यहाँ पे कर्व टूल पर जाना है, और ऊपर की तरफ ये वाला जो डॉट देख रहे हो ये है हाईलाइट्स, और जो नीचे वाला ये है शेडो। तो हम यहाँ पे जो फोटो के शेडो है थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, और यहाँ पे हाईलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। फिर आपको मिडिल वाले पे एक डॉट रखना है, और इसे जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना, और यहाँ से डन कर देना। तो देख सकते हो इससे हमारा फोटो में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन के आ चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे मिक्स टूल पे, और यहाँ पे जो ग्रीन का सैचुरेशन हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ पे ह्यू को बिल्कुल यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं। फिर हम ऑरेंज टोन पे चलते हैं, ऑरेंज का यहाँ पे लुमिनस को इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि फेस थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, और सैचुरेशन को रखता हूँ -10 पे, और ह्यू का अपने स्किन के टोन के हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको रेड टोन पे जाना है, और रेड का आपको यहाँ पे सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है, और ह्यू को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना, और लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लू टोन पे जाना है, और ब्लू का सैचुरेशन रख लेना कुछ इतना, और ह्यू को डिक्रीज कर देना, जिससे देख सकते हो काफ़ी अच्छा सीएन टोन बन के आ चुका है। तो हम यहाँ पे सैचुरेशन रखते हैं -43, और ह्यू को रखते हैं -100 पे, और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ लगभग इतना, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हम यहाँ पे ई वाले टूल पर जाएंगे, और यहाँ पे फोटो की क्लैरिटी को इंक्रीज कर लेंगे 20%, और विग्निट को यहाँ पे -23 रख लेंगे। फिर लास्ट वाले टूल पे जाके आपको फोटो की शार्पनेस, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज कर देना है। इसके बाद आपको ये वाला टूल पे जाना है सिलेक्टिव टूल पे, और यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे जो लीनियर ग्रेडियंट है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे से इस तरह से एक अप्लाई कर देना, और ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके आपको फोटो के एक्सपोजर को डिक्रीज कर देना है, और यहाँ पे क्लैरिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और यहाँ पे सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ -20, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो ये हो जाने का देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना कमाल का लग रहा है हमारा फोटो। तो इसके बाद सिंपल हम यहाँ पे शेयर वाला आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेते हैं, तो हमारा फोटो जो यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगा। और ये फोटो सेव होने के बाद आपको फिर से इसी फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में फिर से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपको एडिट के साइड में एक एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, और ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो को ऐड कर लिया जो अभी हमने एडिट किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाले टूल पे जाके मिक्स टूल पे जाना है, और यहाँ पे येलो टोन पे जाके आपको ह्यू को बिल्कुल यहाँ पे डिक्रीज कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना कमाल का एक ऑरेंज टोन आया हमारे फोटो में, और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट आपको ग्रेडियंट टूल पे जाना है, और थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है हाईलाइट्स का, और यहाँ पे जो आपको ब्लू टोन दे देना है ब्लू का यहाँ पे सैचुरेशन रख लेता हूँ 22, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। फिर हम पहले वाले टूल पे जाएंगे, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे -15, और एक्सपोजर को जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो हमारा फोटो यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो बिफोर वाला पिक, और ये देख सकते हो आफ्टर। सो आई होप गाइस मैंने आपको बहुत ही इजी वे में इस तरह का फोटो रिटच करना सिखा दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और एक अच्छा से कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।